ओके ओके ये बहुत कमाल की चीजें प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट अगर हमें करने के लिए मिलते हैं तो फील आती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, तो चार्ज के रिलेटेड एक बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है वेंट्रिकुलर जनरेटर, और इससे हम चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जानेंगे, इसका जादू देखेंगे, और फिर थ्योरी के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे एक्सपेरिमेंट की करेंट है मेरे ना पहले से ही। और हमारे एक्सपेरिमेंट की सनी सर आज हमारे साथ है, मेरा बहुत सौभाग्य है सर, इतना काम है। और आज हम इस एक्सपेरिमेंट को करने की करते हैं शुरुआत, और नाउ द मंच गोज टू सनी सर। थैंक यू। अरे यार एक्चुअली में होता क्या है, आप लोगों को अभी सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाएंगे, तो जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया ना उसका एक फील्ड आ चुका है पूरा, तो इसके आसपास अगर हम खड़े होते हैं ना थोड़ा सा, मेरे जैसे बाल पहुंच जाएंगे, देखो बाल, देखो कैसे खड़े हो रखे हैं, देखो दिख रहा है क्या? लाइट ऑफ कर दो एक बार, तो लाइट ऑफ करो एक बार, सिर्फ लाइट ऑफ करना, माइक नहीं, पता चला। हाँ अब देखना, तो अरे यार ये देखो सर, अरे बसे अब चलो इसको ऑन करो लाइट को एक बार, लाइट को ऑन करो। एक्चुअली में आप लोगों को अभी ना स्टैटिक चार्ज पढ़ाया जा रहा है सर, ज्यादा तेज नहीं आता, बस छोटा सा झटका लगता है बस। हाँ एक्चुअली में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है अभी, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो ये बेंडिंग ग्राफ जनरेटर की एक डिवाइस है जिसमें अंदर मोटर चल रही है। अब होता क्या है कि मोटर में जो मेटेलिक स्ट्रिप है उसकी वजह से क्या है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आपको बताया होगा सबने, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब ही आएगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएं, तो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक मेटेलिक स्ट्रिप एक और कनेक्टेड है इससे, स्पेयर से, तो उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है और ये पूरा चार्ज रेस्ट पर है। और आपको बताया होगा स्केल का एग्जांपल देखे कि बाल खड़े हो जाते हैं, बचपन में किया भी होगा आप लोगों ने, तो ऐसे ही है। एक तरीके से देखो, एक बार लाइट ऑफ करो, दोबारा देखो, अभी ये पूरा चार्ज है, अभी ये पूरा चार्ज है। अब देखो डिस्चार्ज करना होगा तो चिंगारी देखो, है ना, और यही करंट मेरे को लग रहा था अभी। अगर आप में से किसी के बाल खड़े करने हो, ऑन कर दो एक बार इसको हमने इसी काम पे रखा है। अगर आप में से किसी के बाल खड़े करने हो तो आ सकते हो, आओ यार, सूखे बाल, सूखे बाल नहीं, करंट नहीं लगने दूंगा पक्का, आ जा। अरे नहीं नहीं, डर नहीं लगना चाहिए, भरोसा रखो टीचर पे, डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा सर तेल लग रहा है, तेल लग रहा है, इतनी सूखे वालों को एक बार नीचे करना। ओ ठीक है, इसे चार्ज कर दिया है मैंने, अगर इसको आप कोई छुएगा, ठीक है, इसे नहीं आएगा करंट, अगर इसको आप कोई छुएगा तो उसको झटका लगेगा, हटना, मैंने इसे डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज क्या है, एक तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। अब सर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, अभी हो जाएंगे, लेकिन अभी इसको झटका ज्यादा तेज लग जाएगा, वो बहुत ज्यादा चार्ज आ रहा है, नहीं स्टूडेंट को रिस्क पे नहीं डालेंगे हम, ठीक है। एक बार है ना लाइट ऑफ कर दो और मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो सर ये बताएंगे कि जैसे कि कोई स्पेयर है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो एक बार पूरी ऑफ कर दो क्योंकि ये सारा लाइट का ही काम है। तो जैसे सर ने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, तो वो बताएंगे कि देखो भाई आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है जब ये लाइट जल रही है, हाँ जैसे जैसे मैं इसके पास ले जाऊंगा तो और ज्यादा तेज जलेगी, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ये लाइट देखो डिम होती जाएगी और बंद हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लाइट जला दो इसको इसी काम पे रखा हुआ है बड़ी
इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये पढ़ेंगे, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जैसे जैसे आर को हमने बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये बहुत मजेदार चीज है, इससे आपने इस चीज को फील भी कर लिया, ठीक है। तो यही होता है एक्सपेरिमेंट के साथ फिजिक्स समझने का पूरा फील, ठीक है सर, बिता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समझाने के लिए। अब मैं बुलाता हूँ।